हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपको सिखा रही हूँ होममेड गरम मसाला। इसमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी बताऊँगी कि काली मिर्चें हैं आपकी 2 टेबल स्पून, बड़ी ये इलायची है, लौंगे हैं आपके 2 टेबल स्पून, बड़ी इलायची है आपकी 2 टेबल स्पून, और ये ब्लैक ज़ीरा है आपका 2 टेबल स्पून, इलायची है आपकी 1 टीस्पून, और ये जो है हमारे दालचीनी आपकी जो है ये आपकी देखें आप 4-5 वो ले लें इसकी स्टिक्स ऐसी। अब इन चीज़ों को, और ऑयल है 1 टेबल स्पून, ऑयल बाद में मैं यूज़ करूँगी, अभी ये सारी चीज़ें ग्राइंड करने के लिए डालते हैं आपके सामने। ये देखें जी ये भुन गया है, वो हो गया है मतलब ग्राइंड हो गया है। अब मैं ये देखें फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है आपने बस इसके अंदर। बेशक आप इसको ग्राइंड करने के बाद भूनें इस ऑयल के अंदर 1 टेबल स्पून में, या आप मतलब ग्राइंड करने से पहले भून लें, भूनने के बाद आप इसको ग्राइंड कर लें मसाले को, वो भी सही है और ये भी सही है कि आप बेशक ग्राइंड करने के बाद मसाले को ऊपर है। अब मैं इसको अपने ओवन पे रखती हूँ। देखें जी ये भुन रहा है मसाला, अभी आपकी मर्जी है कि आप पहले भूनेंगे मसाले को या बाद में। और इसको ठंडा करने के बाद, जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप इसको अपने जार में भर के रख लीजिएगा, गरम गरम जो है वो जार में मत भरिएगा। हाई फ्लेम पे मैं इसको कर रही हूँ। अब ये रेडी हो गया, देखेंगे इस कलर का हो गया तो ये रेडी हो गया, खुशबू आपको आने लगे तो इसका मतलब है कि रेडी है। मसाले अपने जार में भरते हैं। हाँ जी ये देखें हमारा गरम मसाला जो है मैंने निकाल लिया है, क्योंकि गर्म है इसलिए मैंने जार में नहीं भरा है। आप भी ठंडा होने के बाद इसको जार में भरिएगा और आप ये देखें कि कैसा बना है, सारी चीज़ें ग्राइंड हो गई हैं। और जब भी बनाएं सारी चीज़ों को सेम वज़न लेना है, मतलब अगर 2 चमचे मतलब 100 ग्राम आपका एक चीज़ है तो सारी चीज़ें ही 100 ग्राम हो और फिर उसको ग्राइंड कर लें। मगर इसमें इलायची पाउडर बहुत थोड़ा सा डलेगा, कि मैंने देखें इसमें सिर्फ 1/2 टीस्पून डाला है, क्योंकि इलायची पाउडर ज़्यादा ना हो, बस थोड़ी सी उसकी खुशबू हमें फ्लेवर लाना है, ताकि बाकी स्पाइसेस भी फ्लेवर वाले हैं तो वो ज़्यादा अच्छा से खुशबू आएगी। तो ये आप प्लीज़ बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको गर्म मसाला कैसा लगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।